नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने क्लैरिकल की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसकी शॉर्ट जानकारी मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। तो दोस्तों, जो दिल्ली पुलिस में वैकेंसी निकली है, वो उसकी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं 14/10/2019 से 13/11/2019 तक के बीच आवेदन होंगे, जिसमें पोस्ट का जो नाम है हेड कॉन्स्टेबल क्लर्क, यानी जो क्लैरिकल की लिपिकीय संवर्ग की ये भर्ती है, इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है 10+2 इंटर और इसके साथ साथ टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी का 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। या अगर अभी आप अभी से आप जो तैयारी कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगा, पहले एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, तो तब तक आपकी टाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों, इसमें एज की बाउंडेशन है, एज जो है जनरल कैटेगरी के लिए 1/7/2019 को 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, ओबीसी के लिए 18 से 28, एससी और एसटी के लिए 18 से 30 वर्ष आयु होना आवश्यक है, दिनांक 1/7/2019 को। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी 100 रुपये है, एससी एसटी और हैंडीकैप्ड और फीमेल की कोई फ़ीस नहीं है, जीरो फीस है। दोस्तों, वैकेंसी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसमें दो कैटेगरी हैं, मेल और फीमेल। टोटल वैकेंसी 554 है, मेल में जनरल 140 और फीमेल में 69, ईडब्ल्यूएस मेल में 37 और ईडब्ल्यूएस फीमेल 18, ओबीसी 86 और फीमेल 42, एससी मेल 56 और फीमेल 27, एसटी मेल 53 और फीमेल 26। टोटल मेल की वैकेंसी 372 और फीमेल की 182 ये वैकेंसी है दोस्तों। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन रखा हुआ है इन वैकेंसीज़ में कैटेगरी वाइज। जो आर्मी मैन है, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं। और 3% रिजर्वेशन पीएच कैंडिडेट के लिए रखा हुआ है। तो दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है ये क्लर्क बनने का दिल्ली पुलिस में। आप लोग आवेदन कीजिए और तैयारी में जुट जाइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।